बिल्डिंग बैम्बू डबल अंडरवाटर स्लाइड लकी हाउस। गदवाल नाम के गांव में पटेल कहकर एक आदमी को लक्की टिंकू कहकर दो बेटे थे। लक्की पटेल की पहली बीवी के बेटे होने के वजह से दूसरी बीवी ज्योति लक्की को ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और टिंकू तो हमेशा लक्की के संपत्ति को भी हड़पने के लिए देखता रहता था। एक दिन घर में पटेल से टिंकू, अरे ओ पिता, तुम क्या सोचते हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये घर मुझे दे दो और गांव के बाहर जो काली जगह है वो लक्की को दे दो। पटेल, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरा संपत्ति जो भी है दोनों को बराबर मिलेगा, क्यों कह रहा हूँ जरा समझो। कहा टिंकू, देखो पिता, तुम्हारा तकलीफ क्या है मुझे पता चल गया है। उस लक्की का परदादा जी ने उनका खजाने को दो जगह में छुपाया है, किस में है तुम्हें पता नहीं है, वही बात है ना। पटेल, अरे मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ा समझो रे, सच बात कहना है तो ये सारा संपत्ति लक्की का ही है, मगर मैंने बहला फुसला के उसकी माँ से संपत्ति मेरा नाम पर लिखवाया है, मगर अभी तुम्हें घर देकर उसे खाली जगह दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कह रहा था तभी वहाँ पर ज्योति आकर, ये क्या बात कर रहे हो आप, आजकल आप बहुत बदल गए हो, मुझे और मेरे बेटे को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वो कुछ भी नहीं पूछता है और एक बार घर पूछा तो वो भी नहीं दे रहे हो। छी, कहकर रोने लगी। तब पटेल, ए बस करो तुम्हारा बहस, जब भी देखो हर चीज के लिए हमेशा रोती रहती हो, लक्की से कुछ कहकर इसे ही घर मिले जैसा कुछ करता हूँ, अब तुम रोना बंद करो। कहकर वहाँ से चला गया। तब ज्योति से टिंकू, अरे माँ अच्छी रोई हो, सुपर एक्टिंग किया है माँ तुमने, बहुत थैंक्स माँ, वो लक्की का परदादा जी एक जमाने में बहुत पैसे वाले हैं माँ, वो खजाना को इसी घर में छुपाया है कहकर मैंने कहीं पढ़ा था, अगर वो मिल गया तो हम बहुत बड़ा धनवान बन जाएंगे, तब वो लक्की उसे दिया हुआ गंदा जगह में रोता बैठ जाएगा। अगले दिन पटेल लक्की को बुलाकर घर टिंकू को दे रहा हूँ कहा। तब लक्की, ठीक है पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं भी हमारा खाली जगह में रहने के लिए बैम्बू से घर बनाना चाहता हूँ, मुझे थोड़े पैसों की जरूरी है। कहा तब पटेल उसके लिए मान लिया और घर में जाकर लक्की को पैसे लाकर दिया। बाद में टिंकू उस घर में खोदना शुरू किया। वही समय पर लक्की कुछ काम वालों के मदद से उनके जगह पर गड्ढा खोदकर उधर बैम्बू डबल अंडरवाटर स्लाइड हाउस का निर्माण शुरू किया। ऐसे देखते देखते ही लक्की का हाउस तैयार हुआ। घर बनाने के बाद लक्की और उनके दोस्त उस घर में ही मजे लेने लगे। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद टिंकू उनके घर में दीवारों को हथौड़े से तोड़ना शुरू किया। वो देखकर पटेल, अरे ओ गधा कहीं का, क्या कर रहे हो, पूरा घर को तोड़ फोड़ कर देगा क्या, हमें इस घर में रहने देगा कि नहीं। टिंकू, तुम रुको पिता, मैं तो खजाने के लिए ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल गया तो इससे भी बड़ा घर बनाता हूँ। कह रहा था तभी लक्की उधर आकर, लक्की, अरे ओ डेड दिमाग भाई, तुम्हें वो खजाना नहीं मिलेगा, क्यों बेकार में घर को पूरा तोड़ रहे हो, हाथ दर्द हो जाएंगे। टिंकू, ऐसा है तो वो खजाना तुम्हारा जगह में है क्या। लक्की, हाँ रे, नहीं तो पिता ने जो दिया उन 20,000 से उतना बड़ा घर कैसा बना सकता हूँ, और वो खजाना वहीं पर है कहकर मुझे पहले से ही पता है, इसलिए उधर गड्ढा खोद कर वो खजाना को लेकर बाद में लक्की हाउस का निर्माण किया है मैंने। कहा तब टिंकू, ओए माँ, मैं इसके लिए नहीं मानूंगा, ये तो धोखा है, तुम बड़े हो और भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्की, अरे ओ एड़ा कहीं का, रो मत, तुम्हारे जैसे मैं धोखेबाज तो नहीं हूँ, तुमको भी उसमें हिस्सा देता हूँ, अच्छे से व्यापार करो, अगर नहीं मानकर एक्स्ट्रा किया तो कुछ भी नहीं देता हूँ। कहा तब टिंकू ने ठीक है कहकर खुशी से नाचने लगा। वो देखकर उनका माँ पिता दोनों बहुत खुश हो गए।